विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह हल्के की ग्राम पंचायत भोरा में 38 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन का दौरा और शिलान्यास किया और 20 लाख रुपए से निर्मित सामुदायिक भवन तथा किचन शेड का लोकार्पण किया। भोरा में जनसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने उपस्थित लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश में अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाले राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में तमाम तरह की जीवन रक्षक दवाइयां लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर प्रदेश में हिम केयर योजना प्रारंभ कर जरूरतमंद लोगों के 5 सदस्यों को 5 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई गई और इस योजना में प्रदेश के लगभग 2 लाख लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ लोगों को भी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सहारा योजना आरम्भ की गयी और ऐसे लोगों को 3,000 रुपए प्रतिमा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। परमार ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण योजना जीवनधारा प्रारंभ की है। इस योजना में चलता फिरता अस्पताल प्रदेश के 10 जिलों में दूरदराज क्षेत्रों गांव-गांव घर के पास लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस वाहन में लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए चिकित्सक और अन्य स्टाफ के साथ साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच संभव होगी। परमार ने कहा कि विकास कार्यों में जन सहभागिता बहुत ही सराहनीय कार्य है। उन्होंने लोगों को जन सहभागिता से सामुदायिक भवन और किचन शेड के निर्माण के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बोरा और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, शिक्षा इत्यादि के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में ग्राम पंचायत भोरा, मलाहू और डिंडोल में पेयजल के सुधार के लिए 4,66,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना को 2 वर्षों के भीतर तैयार कर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। पार्क के ऊपर खर्च होगा, झूले लगेंगे, हरियाली वहां पर होगी, बेंच लगेंगे, प्लांटेशन वहां पर होगा, 4 दीवारी वहां पर होगी, शाम को बैठने का एक स्थान बन जाएगा, तो पंचवटी के लिए 10,75,000 रुपया खर्च होगा। बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। कमियों को पूरा करने वाले हम हैं, ये जिम्मेवारी हमारी रहेगी। आप शुरुआत तो करें। इस स्वास्थ्य उपकेंद्र के ऊपर लगभग हम 38,37,66,000 रुपया खर्च कर रहे हैं। मैंने हिमाचल प्रदेश में भी देखा है और सुलह हल्के में भी देखा है। केंद्र कहां पर चलते हैं? किसी ने घर का एक कमरा दे दिया। और जिस तरीके के हम हेल्थ सब सेक्टर सुलह विधानसभा क्षेत्र में बना रहे हैं, जब बन करके तैयार होगा और मैं उसके लिए उद्घाटन के मौके पर आऊंगा, भूमि पूजन हुआ, मैं इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद दूंगा। मैं अपनी आशा बहनों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, स्वास्थ्य कर्मियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ने में सहयोग दिया है। मैं अपनी आशा बहनों को, क्योंकि आप निरंतर अपने अपने इलाके में जहां पर जरूरतें हैं, पॉजिटिव आ गया, एसिम्प्टोमेटिक कोई आ गया, तो उनके संपर्क में भी आप रही, उनके उपचार के लिए भी आप हमेशा उनका मार्गदर्शन करती रही। मैं डॉक्टर साहिबान, विशेष करके स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे आशा बहने, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, उनको भी मैं उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं।